डॉक्टर पे लगा समलैंगिक होने का आरोप। पत्रकार नगर थाना में एक अजीब मामला सामने आया है। 3 दिन पहले एक डॉक्टर ने पत्रकार नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस को उसके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जब वह डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित एटीएम से पैसे निकालने गया तो 2-3 लोगों ने उसे पीछे से पकड़ लिया, उसके मुंह को ढक दिया और बंधक बनाकर पीटने लगे। 50,000 की हीरे की अंगूठी और एटीएम कार्ड छीन लिया। उसके बाद पिन कोड पूछकर ऑनलाइन शॉपिंग भी की। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो मामला पूरा उल्टा सामने आया। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 2 युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो मामला समलैंगिक संबंध का सामने आया। डॉक्टर निशांत राजेंद्र नगर स्थित एक दवा दुकान में काम करने वाले नाबालिग लड़के से अक्सर समलैंगिक संबंध बनाया करता था। घटना के दिन भी उस लड़के को पकड़कर राजेंद्र नगर शाखा मैदान में ले गया था। वहां आरोपी लड़कों ने दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया और डॉक्टर की पिटाई की। पीटे जाने के बाद डॉक्टर ने खुद ही आरोपी लड़कों को अपना एटीएम कार्ड दे दिया और पैसे निकालने व ऑनलाइन शॉपिंग करने को कहा। बाद में आरोपी लड़कों ने एटीएम से 40,000 रुपए निकाले और ऑनलाइन शॉपिंग कर एटीएम कार्ड वापस डॉक्टर को लौटा दिया। गुरुवार को प्रेस वार्ता में एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि डॉक्टर को पीटने व एटीएम से पैसे निकालने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं डॉक्टर के खिलाफ भी नाबालिग लड़के से संबंध बनाने के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। निश्चित रूप से इसमें भी FIR दर्ज होगी। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके अलावा इनका एक और साथी है जो माइनर है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। और निश्चित रूप से जो डॉक्टर साहब हैं उनके ऊपर भी मामला दर्ज हो रहा है। इसको यथोचित का ये जो शुभम आप देख रहे हैं यहाँ जो खड़े हैं, इनके एक मेडिकल का शॉप है, उसी में वो जो बच्चा है वो काम कर रहा था। गिरफ्तारी इसी कदम हुआ थाना अंतर्गत हुई है। बिहार प्लस की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।